हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 5th का 4th क्वेश्चन, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड हमारा सोल्यूट है, इसका वेट हमें फाइंड आउट करना है। इसका मोलर मास हमें दिया गया है 176 ग्राम पर मोल, यानी कि M2 हमें गिवन है। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसके लिए हमें हमें यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट W1 दिया गया है। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री, तो ये हमें डेल्टा TF दिया गया है। हमारे पास वैल्यू है डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की 3.9, तो बेसिकली सारी वैल्यूज गिवन है, हमें सिंपली W2 फाइंड आउट करना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 3। डेल्टा TF है KF इंटू W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000, तो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू है 1.5, KF की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3.9, W2 पता नहीं वो निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है 176, W1 है 75 और ये है हमारे पास हमारा 1000, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे तो W2 हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 1000, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 5.076 ग्राम। तो ये हमारे पास हमारा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा, मतलब गिवन वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।